कई बार भक्तों और साधकों के जीवन में कोई एक ऐसा समय आता है जो समय उनको पूरी तरीके से तोड़ कर रख देता है। उस समय पर उनका विश्वास जो है वो डगमगा जाता है। कई ऐसे भक्त होते हैं जो भगवान का नाम भी लेना छोड़ देते हैं। कई ऐसे भक्त होते हैं जो नास्तिक हो जाते हैं, क्योंकि वो उन परिस्थितियों को सह नहीं पाते, नहीं वो ये समझ पाते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जो लोग पूजा पाठ करते हैं, भगवान की पूजा सेवा करते हैं, उनके दिमाग में सिर्फ यही की बात होती है कि हमें सुख ही सुख मिले, हमें सुख ही सुख मिले, हम जो चाहते हैं वो हमारे अनुसार होना शुरू हो जाए, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, हमारी इच्छाएं पूर्ण हो। पर अगर सुख आप भोगोगे तो आपके हिस्से का दुख कौन भोगेगा? और मैं आपको बता दूं कि सुख भोगने का जो मजा है, आनंद है, वो तभी है जब आपने दुख भोग रखा हो। क्योंकि जिस भी एक लाइन को अगर छोटा करना है, एक लाइन आपने खींच दी है, उस लाइन को छोटा करना है तो बड़ी लाइन खींच दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि ये बड़ी हो गई है। उसी प्रकार से जब आपने दुख सहे हैं तभी आपको पता होता है कि सुख की वैल्यू क्या है। एक भूखे को ही अन्न का पता होता है कि अन्न कितना जरूरी है और कितना महत्वपूर्ण, कितना विशेष है। इसके तन पे कपड़े नहीं हैं वो कपड़ों की वैल्यू जानता है, और जिसके पास घर नहीं वो घर की वैल्यू जानता है। इसलिए कि जब दुख आपके जीवन में आते हैं तभी आपको सुखों का अनुभव होता है। और इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको दुख और सुख दोनों प्राप्त नहीं है, क्योंकि सब जो दुख और सुख हैं सब आपके कर्मों पर आधारित होते हैं। कोई व्यक्ति ऐसे कर्म नहीं कर सकता जिससे उसे सुखों की ही प्राप्ति हो, कोई व्यक्ति ऐसे कर्म नहीं कर सकता जिससे उसे दुखों की ही प्राप्ति हो। जन्म जन्मांतर ये जो सर्कल है चलता रहता है, तो दुख भी भोगने होंगे और सुख भी भोगने होंगे, ये प्रकृति का एक नियम है। और जब आप पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, जो आपके इष्ट देव आपकी परीक्षा लेते हैं, तो आप उन चीज़ों को समझ नहीं पाते कि वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं। कई लोग भगवान की पूजा ही इसलिए करते हैं कि उन्हें दिक्कतें आनी नहीं चाहिए। अगर उनको छोटी सी भी खरोंच लगी तो वो भगवान को ब्लेम करते हैं कि भगवान मैंने आपकी इतनी पूजा की है और आपकी पूजा करते करते भी मुझे इतनी परेशानियां भुगतनी पड़ रही हैं। एक उदाहरण के जरिए आपको समझाना चाहूँगा। एक बार एक व्यक्ति बहुत भगवान की पूजा करता था, उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ और उसके पैर में मोच आई, वो चलने में थोड़ा सा असमर्थ था। तो वो भगवान के मंदिर में गया जो उसके घर में मंदिर था, और बहुत तेजी से ताना देने लगा कि भगवान मैं तेरी इतनी पूजा करता हूँ, दिन रात तेरा नाम लेता हूँ, फिर भी तूने मेरा एक्सीडेंट करा दिया। तो उसी रात भगवान सपने में आते हैं और बोलते हैं उसको, वो मंजर दिखाते हैं कि तेरा जो एक्सीडेंट था वो इतना भयानक होने वाला था कि तेरी मृत्यु निश्चित थी, तो कहीं ना कहीं तेरे कर्म थे जो तू मेरी पूजा करता है, मेरा नाम लेता है, कि तेरे को छोटी सी खरोंच चाहिए, तेरे पैर में मोच है। तब उस व्यक्ति के समझ में आता है कि भगवान कैसे आपके जीवन में अपना एक रोल निभाते हैं, कैसे आपकी मदद करते हैं। तो जो लोग ये सोचते हैं कि भगवान उनकी किसी प्रकार से मदद नहीं करते, उन लोगों के लिए मैं स्पेशली बता दूं कि भगवान जब आपकी परीक्षा लेते हैं तो आपको इस लायक बनाते हैं कि आप उन परीक्षाओं में सफल हो सके। भगवान दुखों को कम नहीं करते, नहीं दुखों को हटाते हैं। दुख जो है वो आना ही है, वो तो भोगना ही पड़ेगा, पर हम उनको भोगने की क्षमता आपको प्रदान कर देते हैं। क्योंकि जब आपको दुखों को भोगने की क्षमता प्रदान हो जाती है तो वो आपको दुख लगता ही नहीं है। ये उसी प्रकार से है जैसे आपने 100-200 किलो वजन उठा रखा है तो आप नहीं उठा पाएंगे। अगर आपके ऊपर कोई ईंट है जो गिरने वाली है, या कोई ऐसा पत्थर है जो 20 किलो का पत्थर आपके सिर पर गिरने वाला है, तो जो चोट आपको लगने वाली थी उसका मृत्यु भी हो जाए। तो आप भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान उसको रोकेंगे नहीं, कि वो गिरने से नहीं रोकेंगे, वो जिसके जो कर्म है वो तो होगा, पर उस पत्थर के आकार उसके वजन को कम कर सकते हैं। 20 ग्राम 50 ग्राम उस पत्थर का वजन कर सकते हैं जिससे हल्की फुल्की आपको चोट आए। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति मिर्ची खा रहा था और फिर उसको मिर्ची लगी और उसने तुरंत गुड़ की डरी खाई और उसको आराम मिला। तो एक व्यक्ति जब पूछता है के मिर्च का जो तीखापन है वो खत्म हो गया, तो वो व्यक्ति बोलता है नहीं, मिर्च का तीखापन तो वही है, पर जो गुड़ है, गुड़ ने आपको उस मिर्च के तीखेपन को झेलने की शक्ति प्रदान की है, ऊर्जा आपको प्रदान की है, जिससे आपको लगता ही नहीं है कि आप मिर्च खाइया। तो
परमात्मा भगवान आपके जीवन में जो रोल प्ले करते हैं, आपके जीवन में जो रोल निभाते हैं, वो यही होता है कि वो आपको इतनी क्षमता प्रदान करते हैं कि आपको दुख दुख नहीं लगता, दुख आपको लगता ही नहीं है। इसीलिए कभी भी भगवान को दोष देने का कार्य मत करना। जो काम आप कर रहे हो अपनी बुद्धि से कर रहे हो, अपनी इच्छा से कर रहे हो। तो आज मैं आपको बता दूं कि भगवान आपकी जब परीक्षा लेते हैं वो कैसे आपकी परीक्षा लेते हैं, जिससे ये जान पाएं कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। भगवान जब आपकी परीक्षा लेते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आप खाना खा रहे होते हैं और आपके दरवाजे पर कोई व्यक्ति आ जाता है भूखा मांगने वाला जिसे कहते हैं, या कई बार कोई गाय आ जाती है, कुत्ता आ जाता है, और उस समय आप अपनी थाली से उसे रोटी खिला दें तो इसका मतलब है कि भगवान प्रसन्न है आपसे। कई लोग उस थाली से ना अपने घर से रोटी देते हैं, पर उस थाली से आपको रोटी देने इसे कहा जाता है कि आपने अपने भूखे आने वाला भी उसको दे दिया, ये बहुत बड़ा दान कहा जाता है। तो ये लक्षण अगर आपको दिखे तो भगवान आपकी परीक्षा लेने। कई बार भगवान ऐसे परीक्षा आपके लेते हैं कि कोई व्यक्ति आप कहीं जा रहे हैं और कोई व्यक्ति ठंड से कांप रहा है, आपके मन में भाव आ जाता है, आप उसके लिए कंबल या अपनी ही जैकेट या अपना ही कोई कपड़ा दे दें, ये बहुत बड़ा दान होता है। किसी भूखे को खाना खिलाना और किसी नंगे के तन को ढकना बहुत बड़ा दान होता है। तो कभी भी परमात्मा की बनाई हुई ये चीज़ें हैं, जीव जंतु और जितने लोग असहाय हैं, खाने में असहाय हैं, पीने में असहाय हैं, कपड़े लत्ते में असहाय हैं, उनकी मदद करना ही सबसे बड़ी परीक्षा होती है। भगवान ऐसे लोगों पर सदैव भगवान कृपा करते हैं। कभी भगवान पर विश्वास मत तोड़ना, क्योंकि वो सदैव रहते हैं आपके साथ, सबसे पार आपके वो करते हैं। भक्त सुदामा को आप जानते हैं, भक्त सुदामा भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और गरीबी में इतने थे कि उनके घर में दो वक्त का खाना भी नहीं था, और जब जैसे तैसे वो भगवान श्री कृष्ण के दरबार में आए, लोग हंसने लगे कि ये भगवान द्वारिकाधीश का कैसे दोस्त हो सकता है। और अब जानिए कि उन्होंने कभी भगवान का साथ नहीं छोड़ा, और पहले जब भी वो कुछ भी खाते थे तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाते थे और उनको धन्यवाद करते थे। और भगवान ने उनकी ऐसी किस्मत, ऐसा जीवन पलटा कि जब वो भगवान द्वारिकाधीश के महल में थे तब सुदामा जी के लिए महल तैयार हो रहा था, स्वर्ण के वस्त्र उनके लिए तैयार हो रहे थे, उन परिवार के लिए। और आज सुदामा जी का नाम भगवान श्री कृष्ण के साथ लिया जाता है, और वो भगवान श्री कृष्ण के लोग गोलोक को बधार गए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में आप जानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी जो भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे, हनुमान जी के अनन्य भक्त थे, जब उनको शारीरिक पीड़ा हुई, उनको उनके जो शरीर है उस पर घाव उनके होने लगे, बीमारी उनको हो गई, तब उन्होंने हनुमान जी से विनती की, और लाख विनती करने पर भी नहीं आए, तो उन्होंने विश्वास नहीं तोड़ा, और हनुमान जी की कृपा के कारण उन्होंने हनुमान साठिका की रचना की। हनुमान साठिका, अगर जिनको नहीं पता उनको बता दूँ, हनुमान साठिका एक ऐसा स्तोत्र है, एक ऐसा पाठ है जिससे शारीरिक रोगों पर विजय प्राप्त की जा सकती है हनुमान जी की कृपा से। तो ऐसे लोग जिन्होंने भगवान पर विश्वास कभी नहीं तोड़ा, अगर आप भी अडिंग रहते हैं भगवान के ऊपर, आप भी भगवान के साथ रहते हैं कि हाँ वो मेरे हर पल साथ है, तो आपका भी बेड़ा पार होगा ही होगा। भगवान आपके भौतिक जीवन को तो सुखमय बनाएंगे, साथ ही आध्यात्मिक जीवन को भी सुखमय बनाकर आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसलिए कभी भगवान पर विश्वास मत तोड़ना, सदैव उन पर विश्वास करना, क्योंकि टोटे नफे सबके घर में आते हैं, पर भगवान जो है वो सदैव आपकी रक्षा करते हैं। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को